नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीआई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, मैंने एक वीडियो अभी रिसेंट में दो वीडियो बना चुका हूँ, एक 10 दिन पहले, फिर एक 4-5 दिन बाद में। एक वीआई सरकार ने एक कानून बनाया था, आपको पता है, आप अपने मोबाइल में कुछ गलत करते हैं, जी हाँ साथियों, चाहे वो वीपीएन के द्वारा पोर्न फिल्म देखना हो, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा आपको पता है गल्फ कंट्रीज में ये सब करना कानूनी जुर्म है। आप सबको पता ही होगा पोर्न फिल्में आप इंटरनेट के माध्यम से भी नहीं दे सकते, देख नहीं सकते। अगर आप देखते हुए पकड़े गए तो भारी जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है, आप सब लोगों को पता ही होगा। और ये एक लेटेस्ट मैंने न्यूज बताया था, आज की न्यूज में मैं बता दूं, शारजा, आपको पता है वीआई में शारजा के एक एरिया में ये एक गिरोह को पकड़ा गया है, जो क्या करते थे बता दूं, डुप्लीकेट सीडी डीवीडी, फॉरेन फिल्मों के सीडी डीवीडी बना के लोगों को सेल कर रहे थे, खास तौर से औद्योगिक क्षेत्र, यानी जहां पे लेबर वर्क ज्यादा होती है। आपको पता ही, आप सब लोगों को पता होगा, आप अगर रहते हैं तो उसी एरिया में ज्यादातर ये लोग बेचने का काम करते थे। शारजा पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने वहां पे छानबीन करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। पायरेसी के तहत ये जो सीडी डीवीडी होती है सेक्स फिल्म की या फिर फॉरेन फिल्म की, ये यहां से इंडिया से या पाकिस्तान से लेके वहां गए हैं और वहां कॉपी की कॉपी बना के लोगों को सेल की जा रही है। आपको पता है लगभग लोगों के पास लैपटॉप मिल जाते हैं या फिर मोबाइल में चिप के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा डाल वगैरह वगैरह, आप सबको पता ही होगा जो अगर इस सिस्टम को जानते होंगे। तो पुलिस ने उनको पकड़ा है भाई, गल्फ कंट्रीज में ये सब चीजें नहीं चलती, ठीक है, लोग चोरी छिपे करते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या होना है भाई, आप समझ सकते हैं खुद, जेल होनी है, जुर्माना होना है, ब्लैकलिस्ट होके अपनी अपनी कंट्री आपको डाल देना है, अखबार में भी फोटो आ सकती है आपकी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंडिया या पाकिस्तानी के लोगों का हाथ है, एशियाई देशों का इसमें नाम लिखा गया है, हालांकि देश का नाम पर्टिकुलर इसमें नहीं बताया गया, लेकिन वहां ये नाम चढ़ गया गवर्नमेंट की क्राइम लिस्ट में कि इंडियन थे या पाकिस्तानी थे। वो सालाना ब्यूरो में वो आंकड़े निकल के आते हैं, इंडियन लोग इतने क्राइम किए, पाकिस्तानी लोगों ने इतने क्राइम किए, इसका मतलब आप लोगों की वो ऐसी की तैसी करते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि इंडियन आ गया तो आप भी तो इंडियन वहां बैठे हो ना, तो आपका भी तो नाम खराब होगा ना, पाकिस्तानी है तो उनका नाम तो खराब वैसे भी होता रहता है, आप सबको पता ही है, पाकिस्तानी वीडियो देख रहे हैं उनको भी भाई, आपको तो सबको पता ही है, क्राइम के मामले में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ऊपर, वो कोशिश करते हैं कि हम सबसे टॉप पे रहे क्राइम के मामले में, ऐसा क्यों, ये तो आप लोगों के लिए पेट पे लात जड़ने वाली बात हो गई फिर तो। तो बस इन्हीं चीजों से पुलिस ने भी आगाह किया है अपने उनके घर वालों को, प्रिजनों को, कि भाई अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा इंटरनेट पे समय बिताते हैं कहीं ना कहीं वो इन सिस्टम में न चले जाएं, वरना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, और इन चीजों से बचें। आपके साथ भी अगर लगता है कोई गलत हो रहा है तो भाई पुलिस को शिकायत करके उनका वही इलाज करवा दें, वरना वो आगे बढ़ के आप लोगों को लपेटे में ले सकता है या फिर देश का नाम तो खराब होता ही होता है, आप सबको बताइए। तो इन चीजों से बचना आपको जरूरी है। आपके मोबाइल में भी ऐसी कुछ गलत सामग्री है तो भाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा आप डिलीट कर दें, क्योंकि मेरे कहने से डिलीट कोई करने वाला है नहीं, लेकिन बच के रहें, बच के रहोगे, सावधानी बरतोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस छोटी सी अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।